हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन। गाइस, इस वीडियो में हम आपके लिए बेहद शानदार बहुत ही अच्छा प्लान लेकर आए हैं, जिसका साइज आपका 19 फीट 6 इंच बाई 37 फीट है। गाइस, इसमें आपको 2 BHK मिलने वाला है विद कार पार्किंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी देरी के। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको आई बटन एंड प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। अगर आप खुद अपना बिल्डिंग डिजाइन करना चाहते हैं तो भी सीख सकते हैं, वो भी हमने ऑटोकैड के ट्यूटोरियल वाइज सिखाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये आपका मेन रोड है। इस रोड से आपको बता दें कि आपको राइट हैंड पे भी एक गली मिलती है, गली में देख सकते हैं। और इसमें आपको मेन ये रोड आपका चौड़ा है काफी, इसलिए यहाँ पे मेन गेट दिया हुआ है 8 फीट का। तो इससे आपकी गाड़ी फोर व्हीलर आराम से आ जाएगी। तो फोर व्हीलर के लिए सबसे पहले आपको पार्किंग दिया गया है, पार्किंग एंग्लो भी यूज कर सकते हैं, जिसका साइज 10 फीट 10 टू 15 फीट 7 इंच है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही इसमें जो आपके लेट बाथ हैं वो सेपरेट रखे गए हैं, अलग अलग कमांड नहीं है। तो लेटरिंग का साइज आपका 10 फीट 3 फीट 4 फीट है। इस तरह से यहाँ पे सीट लगा सकते हो, इस तरह से यहाँ पे नल लगा सकते हैं। इसके वेंटिलेशन के लिए गाइस यहाँ पे वेंटिलेटर प्रोवाइड किया गया है एंड आप इसको सेपरेट एक बाथरूम मिलता है। बाथरूम का साइज आपका 4 फुट 4 इंच x 6 फुट 10 इंच है। इसमें इस तरह से आप शावर वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे वॉश बेसिन का शेड रख सकते हैं एंड इसके वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर प्रोवाइड किया गया है। आगे जाने पर आपको स्टेयरकेस मिलता है। स्टेयरकेस का साइज आपका 6 फुट 4 इंच x 8 फुट 6 इंच है गाइस, जिसमें यहाँ से आप अपवर्ड जा सकते हैं, जो कि क्लॉक वाइज रहने वाली है स्टेप्स। और इसमें आपको राइट हैंड पर एक रेलिंग लगेगी इस तरह से यहाँ पे, और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसकी प्रत्येक ट्रेड का साइज 10 इंच है। इस स्टेयर केस का साइज चौड़ाई 3 फीट है। इसमें टोटल आपकी 16 स्टेप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है एंड स्टेयर केस में भी आपको वेंटिलेशन के लिए इधर विंडो प्रोवाइड किया गया है। तो आगे जाने पर आपको गाइस ये आपको एक बेडरूम मिलता है, इसको गेस्ट बेडरूम बोल सकते हैं। इसके लिए वार्डरोब यहाँ पे लगाए गए हैं एंड यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दिया गया है, जिसका साइज बेडरूम का साइज 10 फीट बाई 10 फुट है गाइस। एंड इसके सेकेंड एक्सेस के लिए यहाँ पे डोर दिया गया है। आगे जाने पर आपको एक डाइनिंग एरिया मिलता है। ये डाइनिंग एरिया गाइस आपका 7 फीट 8 इंच x 10 फीट का है। तो इसमें आप डाइनिंग टेबल वगैरह सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि इसी के पास में जस्ट आपको मिलने वाला है किचन। तो यहाँ से आप आराम से डाइनिंग एरिया में जा सकते हैं। तो किचन का साइज आपका 7 फीट 8 इंच x 10 फीट है गाइस, जिसमें आपको यहाँ पर विंडो एक प्रोवाइड की हुई है, जिससे वेंटिलेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसी के साथ आपको एक बेडरूम मिलता है, वो पर्सनल बेडरूम हो सकता है आपका, जिसका साइज है 10 फीट x 10 फीट। तो इसमें आपको एक विंडो दिया गया है। तो ये इस तरह से आपका जो चौड़ाई है टोटल इसमें लंबाई है आपका 7 फीट है। तो ये आज का प्लान आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एंड आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमारे सारे वीडियो वॉच कर सकें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।